हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइफ टॉक दुबई चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरव। दोस्तों, आज का इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग विजिट वीज़ा पर अबू धाबी आना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप तो डायरेक्टली विजिट वीज़ा लेकर अबू धाबी लैंड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली आप अबू धाबी नहीं आ सकते हैं। आपको अगर अबू धाबी आना है विजिट वीज़ा पर, तो आपको फर्स्ट दुबई और शारजाह एयरपोर्ट लैंड करना है, वहाँ से आपको अबू धाबी आना है। तो अबू धाबी आने से पहले आपको अपने मोबाइल पे अल हसन ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आपके मोबाइल में अल हसन ऐप नहीं होंगे तो आप अबू धाबी एंट्री नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, ये गलती आप मत करें। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, दुबई लैंड कर रहे हैं, शारजाह लैंड कर रहे हैं विजिट वीज़ा लेकर, और मतलब आपके पास दुबई का विजिट वीज़ा है, आपके पास शारजाह का विजिट वीज़ा है, तो आप दुबई एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं, शारजाह एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं। तो वहाँ लैंड करने के बाद वहाँ पे दुबई पे और शारजाह में आपको 10 दिन पूरे 10 दिन क्वारंटाइन में रहना है। तो वहाँ पर 10 दिन क्वारंटाइन, मतलब क्वारंटाइन कंप्लीट होने के बाद आपको एक PCR टेस्ट और DPI टेस्ट दोनों में से एक करना है, मतलब ये कोरोना वायरस का टेस्ट। RT-PCR टेस्ट भी आप कर सकते हैं और DPI टेस्ट भी कर सकते हैं आप, तो ये कोरोना वायरस के लिए। तो ये टेस्ट जब आपका हो जाएगा, उसका जब नेगेटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो नेगेटिव रिज़ल्ट मिल जाने के बाद जिस दिन आपको रिज़ल्ट रिसीव होंगे, उस दिन से 48 आवर्स आपके हाथ में होंगे, उस 48 आवर्स के अंदर आप आ सकते हैं। अगर आप RT-PCR टेस्ट करते हैं तो आपके हाथ में 48 आवर्स होंगे, अगर आप DPI टेस्ट करते हैं तो आपके हाथ में ओनली 24 आवर्स होंगे। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अबू धाबी आना है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो उनको वो जब कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट करके उसका प्रिंट का भी लेकर आ रहे हैं और मोबाइल में एक मैसेज आ रहा है, वो लेकर आ रहे हैं अबू धाबी बॉर्डर पे। तो अगर आप ये लेकर आएंगे तो पुलिस आपको परमिशन नहीं देंगे, इसलिए आपको अपने मोबाइल में अल हसन ऐप, ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा अल हसन ऐप, तो ये अल हसन ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपने जो टेस्ट किया है DPI टेस्ट और RT-PCR टेस्ट, तो डायरेक्टली आपके मोबाइल में जो अल हसन ऐप है उस ऐप में शो होंगे। तो जब आप बॉर्डर में आएंगे वो ऐप आपको दिखाना होगा, तो ऐप में जब शो होंगे पुलिस आपको छोड़ देंगे, मतलब आप अबू धाबी एंट्री कर पाएंगे। तो कई लोग गलती कर रहे हैं, कई लोग डायरेक्टली आ रहे हैं, मतलब टेस्ट करके RT-PCR टेस्ट और DPI टेस्ट करके ही बॉर्डर पर आ रहे हैं, तो उन लोगों को फिर पुलिस उनको वापस कर रहे हैं, मतलब उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं पुलिस। जब तक आप अपने मोबाइल में अल हसन ऐप अपलोड नहीं करेंगे, आपको आप अबू धाबी एंट्री नहीं हो पाएंगे। बस यही कुछ दोस्तों आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि कई लोग इस तरह का गलती कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। और एक बात है दोस्तों, अबू धाबी का विजिट वीज़ा अभी तक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए ओपन नहीं हुआ है अभी तक, और पाकिस्तान के लिए तो अभी भी दुबई का विजिट वीज़ा भी ओपन नहीं हुआ है, मतलब UAE का विजिट वीज़ा, दुबई, अबू धाबी, शारजाह का विजिट वीज़ा ओपन नहीं हुआ है, अभी भी टेम्पररीली बैंड है। अबू धाबी का विजिट वीज़ा उन सब कंट्रियों को मिल रहा है जो ग्रीन कंट्रीज में से है, जैसे चाइना, जैसे मॉरिशस, जैसे सऊदी अरब, जैसे कतार, इन सब कंट्री में से जो लोग आएंगे उन लोगों को विजिट वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए डायरेक्ट अबू धाबी का विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है, वो लोग दुबई एयरपोर्ट और शारजाह एयरपोर्ट, मतलब आपके पास दुबई का विजिट वीज़ा है, आप दुबई और शारजाह लैंड कर सकते हैं, लैंड करके वहाँ पर 10 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद आप अबू धाबी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो मास्ट है अल हसन ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, और वहाँ से RT-PCR टेस्ट और DPI टेस्ट करके आना होगा, मतलब दुबई से। और एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपका कोई ब्लड रिलेशन है, मतलब आपका फादर, मादर, भाई, बहन विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो जब वो दुबई एयरपोर्ट लैंड करेंगे तो दुबई में उनको 10 दिन क्वारंटाइन में नहीं रहना है, वो डायरेक्ट अबू धाबी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको दुबई जाना है, दुबई जाके मतलब आपका भाई, बहन, फादर, मदर और वाइफ भी आ सकते हैं, तो आपको साथ में लेकर आना है अबू धाबी में, तब जाके पुलिस परमिशन देंगे। लेकिन मस्ट नीड अल हसन ऐप, मतलब आपका कोई फादर, मदर, भाई, बहन आएंगे तो उनके मोबाइल में भी अल हसन ऐप होना चाहिए।
बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच।